हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया चैनल। सो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं वही बताना चाहूंगा दैट क्वालिटी कंट्रोल जब हम करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मींस जब हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं या उस ड्यूरेशन में पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्ट्स का, जैसे मैं अगर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स में बात करूं तो एक्चुएटर का हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इवेल्युएशन जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट बन गया है, उसके बाद जो पूरा रेडी है उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिगार्डिंग योर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम एंड योर फॉर योर सेमेस्टर ऑल्सो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच अपरेटस इज यूज फॉर विच टेक्निक। सो चलिए बात करते हैं, साथ ही साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन कहां से रेज हो सकता है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो download the Pharmacy India mobile app from the Google Play Store. There you will get GPAT, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist and many more subject wise test series. Link is given in the description. सबसे पहले quality control test हम किन किन चीजों का करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं propellants जो हम aerosols में use करते हैं उनका quality control test करेंगे। वॉल्व्स, एक्चुएटर्स एंड डिप ट्यूब्स आप समझ रहे हो, एक पाइप टाइप का होता है जो हम एरोसोल्स में यूज करते हैं। कंटेनर्स का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, वेट चेक करेंगे, लीक टेस्ट एंड स्प्रे टेस्टिंग भी करेंगे। दीज आर दी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। सो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोपेलेंट्स की। सो प्रोपेलेंट को कैसे चेक करेंगे, क्या कौन सी टेक्निक होगी कि हम प्रोपेलेंट्स को चेक कर पाए, उसकी क्वालिटी चेक कर पाए, ठीक है। सो क्या हम इसमें वेपर प्रेशर चेक करेंगे, क्या हम इसमें डेंसिटी चेक करेंगे। सो आप सही सोच रहे हैं, वेपर प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द प्रोपेलेंट्स आर डिटरमाइंड एंड कंपेयर्ड विद स्पेसिफिकेशन सी। स्पेसिफिकेशन शीट से आप क्या समझ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन शीट्स मींस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। देयर इज अ शीट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोपेलेंट्स दैट दिस प्रोपेलेंट शोज दिस प्रॉपर्टी, सो हम उससे मिलाकर देखेंगे। टेक्निक्स की बात करें, कौन सी टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट किस टेक्निक से किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, अभी पूछा जा सकता है। तो आप रखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन कैसे आ सकता है दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट बाय विच टेक्निक, सो आपका आंसर होगा गैस क्रोमेटोग्राफी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्योरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी किस चीज से चेक करेंगे, उसके मॉइस्चर से, हैलोजन से, नॉन वोलेटाइल रेजिड्यू डिटरमिनेशन चेक कर लेंगे। सो इससे हमारा मेनली आइडेंटिफिकेशन और प्योरिटी चेक हो जाएगा प्रोपेलेंट्स का, ठीक है। ये था प्रोपेलेंट्स की बात। अब बात करें वॉल्व्स, एक्चुएटर्स एंड डिप ट्यूब्स की, जो हम मेनली कंटेनर में वॉल्व्स और डिप ट्यूब्स यूज करते हैं, और एक्चुएटर इसको बोलते हैं, एक्चुएटर जो आप मेनली डीओ में यूज, जैसे जिसको प्रेस करते हैं उस व्हाइट वाले पोर्शन को एक्चुएटर बोला जाता है। डिप ट्यूब एक पाइप होता है, वॉल्व भी अपर साइड में होता है, ठीक है ना। कैसे वॉल्व्स और एक्चुएटर कैसे चेक करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं उनसे स्पेसिफाई करते हैं। चलिए दैट सैंपलिंग इज डन बाय अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एज फाउंड इन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स है, MIL-STD-105D, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नाउ एक स्पेसिफिक पॉइंट, फॉर मीटर्ड डोज एरोसोल वॉल्व्स टेस्ट मेथड्स वर डेवलप्ड बाय मीटर डोज। मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस वीडियो से पहले आप प्रीवियस वाली वीडियो देखें, क्योंकि मैंने आपको उसमें मीटर डोज पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए बाय एरोसोल स्पेसिफिकेशन कमेटी इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी सेक्शन के थ्रू, एकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के थ्रू,
ठीक है। सो क्या ऑब्जेक्टिव रहा है इसके पीछे, क्या ऑब्जेक्टिव था मेनली? सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज यूज ऑफ दिस इज टू टेस्ट एंड डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ वाल्व डिलीवरी, मैग्नीट्यूड चेक करना है एंड डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिटवीन इंडिविजुअल वॉल्व्स। मींस जो हमारी 10 कंटेनर अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या उनमें यूनिफॉर्मिटी है, क्या उनमें मैग्नीट्यूड का कोई डिफरेंस तो नहीं है? सो ये चीज चेक करनी है। कुछ सॉल्यूशंस बनाए गए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जिनके थ्रू हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सॉल्यूशंस वर प्रपोज्ड टू रूल आउट द वेरिएशन इन वाल्व डिलीवरी, वाल्व डिलीवरी को चेक करने के लिए यूनिफॉर्म है कि नहीं और प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए कुछ सॉल्यूशन बनाए गए कमेटीज के थ्रू। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन इंग्रेडिएंट्स की बात करें, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, टेस्ट सॉल्यूशन की देख लेते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन ए बी एंड सी, दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स, ये रेशो है ये बनाया गया, ठीक है। आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट 0.10%, 0.10%, 0.10%, ठीक है। ये आई होप आप समझ पा रहे हैं। इन टेस्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग वॉल्व का यूनिफॉर्मिटी भी चेक करेंगे और मैग्नीट्यूड और वेरिएशन भी चेक करेंगे। सो ये थे टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। आई होप मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लेंगे। नाउ अब बात करते हैं प्रोसीजर की जिसमें ये सॉल्यूशंस वाला यूज आने वाला है। कैसे यूज करेंगे इन सॉल्यूशंस को, बात करते हैं। सबसे पहले टेक 25 वॉल्व्स, उसके बाद उनको प्लेस कर देंगे कंटेनर में जिसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट सॉल्यूशन होगा जिसके बारे में मैंने बताया अभी, और फिर एक्चुएटर ऐड करेंगे ऑफ 0.020 इंच ओरिफेस का। उस वॉल्व पे एक एक्चुएटर अटैच कर देंगे, टेम्परेचर रखा जाएगा 25 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद वॉल्व इज एक्चुएटेड टू फुलेस्ट एक्सटेंट फॉर 2 सेकंड एंड वेट। क्या किया जाएगा, जो एक्चुएटर है उसे स्प्रे किया जाएगा 2 सेकंड के लिए और फिर उसका वेट किया जाएगा, ठीक है। फिर अगेन द वॉल्व इज एक्चुएटेड फॉर 2 सेकंड, फिर उसका वेट किया जाएगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा डिलीवरी इन एमजी, उन दोनों का डिफरेंस हमें नोट करना है एंड रिपीट दिस फॉर अ टोटल ऑफ 2 इंडिविजुअल डिलीवरीज फ्रॉम ईच ऑफ 25 टेस्ट यूनिट्स, ठीक है। नाउ कुछ कंडीशंस थी देख लेते हैं, कैसे वॉल्व डिलीवरी पर एक्चुएशन इन माइक्रोलीटर, दैट इज इंडिविजुअल डिलीवरी वेट इन एमजी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। वॉल्व एक्सेप्टेंस, कितना एक्सेप्टेंस चल जाएगा वो देख लेते हैं। डिलीवरीज दैट इज 54 माइक्रोलीटर और लेस, तो प्लस माइनस 15% चल सकता है, ठीक है। अगर इतना है 55 टू 200 माइक्रोलीटर तो प्लस माइनस 10% चल सकता है, ठीक है। ये था वॉल्व की एक्सेप्टेंस की लिमिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद टेस्टिंग प्रोसीजर, 50 इंडिविजुअल डिलीवरी में से अगर 4 आउटसाइड है लिमिट के तो वॉल्व्स रिजेक्ट कर दी जाएंगी, याद रखिएगा। इफ 3 डिलीवरीज आर आउटसाइड लिमिट्स, अगर 3 डिलीवरी लिमिट से बाहर है जो लिमिट्स मैंने मेंशन की थी, तो 25 वॉल्व्स फिर से टेस्ट की जाएंगी एंड लॉट इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट करा जा सकता है कब, इफ मोर देन 1 डिलीवरी, इनमें से इसमें से एक डिलीवरी इज आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन, अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिकेशन से बाहर हुई तो इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, इफ 2 डिलीवरीज फ्रॉम 1 वॉल्व आर बियॉन्ड लिमिट्स, अनदर 25 वॉल्व्स आर टेस्टेड एंड रिजेक्ट किया जा सकता है इफ मोर देन 1 डिलीवरी इज आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए समझना। नाउ अब आगे बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कंटेनर के और वेट चेकिंग के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंटेनर्स को एग्जामिन करा जाएगा फॉर डिफेक्ट्स इन लाइनिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स इंक्लूड डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज अ मेजर ऑफ एक्सपोज्ड मेटल, ठीक है।
ठीक है, ग्लास कंटेनर्स एग्जामिन करे जाएंगे फ्लॉस के थ्रू, ठीक है। नाउ वेट चेक कैसे किया जाएगा, पीरियोडिकली उसको टाइम टू टाइम चेक किया जाएगा, फिल करके उनका पर्टिकुलर कंसंट्रेट के साथ फिल करके और फिर उसको वे किया जाएगा। ये सेम प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर चेकिंग वेट ऑफ प्रोपेलेंट्स बीइंग एडेड, मींस और जैसे प्रोपेलेंट ऐड किया फिर उसको वेट चेक किया जाएगा, इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं, ठीक है। नाउ बात करें कुछ और लीक टेस्टिंग की, लीक टेस्टिंग में देखते हैं, इट इज अ मींस ऑफ चेकिंग क्रिम्पिंग, मींस कोई लीक तो नहीं है कंटेनर में, हम उसको चेक करते हैं। इट मींस चेकिंग क्रिम्पिंग ऑफ द वॉल्व एंड डिटेक्ट द डिफेक्टिव कंटेनर्स ड्यू टू लीकेज, ठीक है, एंड इज डन बाय मेजरिंग द क्रिम्प्स डायमेंशन एंड कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स। याद रखिएगा पेरेंट्रल्स में भी हम बात करेंगे लीकेज टेस्ट की, तो जहां पे भी हम कंटेनर्स की बात करते हैं वहां पे लीक टेस्टिंग चेक जरूरी है। स्प्रे टेस्टिंग, आपका एक एरोसोल है तो उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डिप ट्यूब में अगर वो डिप है तो कितना वो सॉल्यूशन और कितना प्रोपेलेंट वो एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है, उसका पैटर्न देखेंगे स्प्रे का कि वो कंटिन्यूअस पैटर्न है कि वो डिसकंटिन्यूअस है, एक बार स्प्रे करते हैं तो ब्रेक तो नहीं हो रहा, तो उसमें इस तरीके की टेस्टिंग होगी। सो ये था स्प्रे टेस्टिंग के बारे में। ना ये थे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, अब बात करें इवेल्युएशन टेस्ट की। इवेल्युएशन टेस्ट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इवेल्युएशन टेस्ट कब करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट एक बार फाइनल बन जाता है उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्ट का इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी चेक करेंगे फ्लैश पॉइंट से और फ्लेम प्रोजेक्शन से, ठीक है। फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, कैसे, वेपर प्रेशर देखिए, डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स, ठीक है, ये फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। बात करें परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा, कैसे, एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट चेक करके, स्प्रे पैटर्न देखा जाएगा, डोसेज विद मीटर्ड वॉल्व एंड नेट कंटेंट, फॉर्म स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग भी देखा जाएगा, दैट इज योर थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी स्टडीज भी करी जाएगी। ये आ जाता है इवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स में। कंफ्यूज नहीं होना है, एक इंडिविजुअली पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्लेम पॉइंट होने वाला है आपका, फ्लेम प्रोजेक्शन एपरेटस पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी की बात करें, फ्लैश पॉइंट की बात की, क्वेश्चन कैसे आ जाता है, that from for flash point which apparatus is used, so आपका आंसर होगा tag open cup apparatus। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको ठंडा किया जाएगा, that is your -25 degree Fahrenheit, and उस लिक्विड का धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा और उस टाइम को चेक करेंगे जब वो वेपर्स उसकी इग्नाइट होने शुरू हो जाएंगे, मींस वो भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्लैश पॉइंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करें फ्लेम प्रोजेक्शन की, फ्लेम प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, आपका एक स्प्रे होगा हमारे पास, ठीक है, हम इससे स्प्रे करेंगे, यहाँ पे फ्लेम होगी, ठीक है, तो 4 सेकेंड तक फ्लेम पे हम करेंगे और फिर हम उसकी एग्जैक्ट जो इतना फ्लेम एक्सटेंड हुआ और एग्जैक्ट लेंथ इज मेजर्ड विद द रूलर, ठीक है, ये हमें मेजर करना है रूलर से, ठीक है, कि कितनी दूर तक उसकी फ्लेम गई, 4 सेकंड तक स्प्रे करने के बाद फ्लेम के सामने, फिर उसकी वो लेंथ देखेंगे वो फ्लेम की कितनी दूर तक है विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये थे फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी में, ठीक है। नाउ बात करेंगे फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इजी तरीका एक समझाने के लिए बहुत इजी बना दिया है। नाउ सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स बता चुका हूं, गैस क्रोमेटोग्राफी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। सेकंड इज योर मॉइस्चर बाय कार्ल फिशर मेथड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड थर्ड इज योर वेपर प्रेशर हम करते हैं प्रेशर गोज एंड कैन पंचरिंग डिवाइस से, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी हम करते हैं डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी हम किसे चेक करते हैं, हाइड्रोमीटर और
पिकनोमीटर से। ठीक है, ये थी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नाउ बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस बिहाफ पे कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एरोसॉल वॉल्व डिस्चार्ज रेट, मींस हम जब वो प्रोडक्ट को स्प्रे करते हैं उसका डिस्चार्ज रेट चेक करते हैं। कैसे? द कंटेंट्स ऑफ द एरोसॉल प्रोडक्ट ऑफ नोन वेट इज डिस्चार्ज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसको डिस्चार्ज किया जाएगा एरोसॉल कंटेनर से स्प्रे करके, फिर उसको रीवे करेंगे कंटेनर को, एंड आफ्टर द टाइम लिमिट द चेंज इन द वेट पर टाइम डिस्पेंस्ड गिव द डिस्चार्ज रेट, दैट इज ग्राम पर सेकेंड में हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, ये था परफॉर्मेंस की बात। फर्स्ट सेकेंड की बात करें स्प्रे पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ दैट उसका हम ब्रेकिंग देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसमें सारी चीजें चेक करेंगे, और भी बहुत कुछ है, चलिए देखते हैं। द मेथड इज बेस्ड ऑन द इम्प्रिंजमेंट ऑफ स्प्रे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस एक सामने रखेंगे पेपर, उस पर हम स्प्रे करेंगे एंड वो ट्रीट किया जाएगा डाई टॉल्क मिक्सचर के थ्रू। ठीक है, उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। सो उसके बाद क्या करा जाएगा, द पार्टिकल्स दैट स्ट्राइक द पेपर कॉज द डाई टू गो इनटू द सॉल्यूशन एंड टू बी एब्जॉर्ब्ड ऑन टू पेपर गिविंग अ रिकॉर्ड ऑफ स्प्रे फॉर कंपैरिजन पर्पस। याद रखिएगा, स्प्रे पैटर्न इस तरीके से चेक किया जाता है, ये आ जाता है परफॉर्मेंस में। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं, डोसेज विद मीटर्ड वॉल्व, मीटर्ड वॉल्व स्पेसिफिक डोज दे रहा है कि नहीं वो भी चेक करते हैं मीटर्ड वॉल्व वाले केस में। ठीक है, ऐसे टेक्निक कर सकते हैं, एक्यूरेट वेइंग ऑफ फिल्ड कंटेनर फॉलोड बाय डिस्पेंसिंग ऑफ सेवरल डोजेस, जो डोज है उसको डिस्पेंस करेंगे बार बार और उसका डोज को कैलकुलेट करेंगे कि कितना उससे डिस्चार्ज हुआ और डिस्पेंस हुआ, इसके थ्रू हम मीटर्ड वॉल्व्स को चेक करेंगे। ठीक है, ये परफॉर्मेंस के बिहाफ पे चेक किया जा रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। बात करें नेट कंटेंट की, नेट कंटेंट मींस पर्टिकुलर हमारी जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल का कंटेंट वेट है उसका चेक करेंगे, मेथड भी है डिस्ट्रक्टिव मेथड, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टार्ड कैंस दैट हैव बीन प्लेस्ड ऑन टू द फिलिंग लाइंस आर रीवेट एंड द डिफरेंस इन द वेट इज इक्वल टू द नेट कंटेंट। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मेथड weighing a full container and then dispensing as much of the content as possible, the contents are then weighed, this gives the net content. कोई ज़्यादा important नहीं है पर आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, एक connectivity बन जाती है performance में, क्या क्या check कर सकते हैं। Now foam stability check कर सकते हैं कैसे, visual evaluation से, time for given mass to penetrate the foam and time for given rod that is inserted into the form to fall. ठीक है, rotational viscometer भी use करा जाता है। बहुत important particle size determination question पूछा जा सकता है, double star mark question, cascade impactor and light scattering decay are used in the particle size determination। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत important होने वाला है। ठीक है, इसको individually देख लेते हैं, cascade impactor और light scattering decay को। चलिए सबसे पहले कैस्केड इंपैक्टर का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ नोजल्स एंड ग्लास स्लाइड्स एट हाई वेलोसिटी, एक जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा और थ्रू सीरीज ऑफ नोजल्स, मींस एक सीरीज होगी नोजल्स की, ये आपके नोजल्स हैं इस तरीके के, इनको ऐसे समझ लीजिए, एक सीरीज होगी नोजल्स की पूरी, उसके थ्रू टारगेट किया जाएगा, ग्लास स्लाइड्स होंगी एट हाई वेलोसिटी, तो उससे क्या पता लगेगा, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो इंपैक्ट करेंगे सबसे पहले ऑन लोअर वेलोसिटी स्टेज। ठीक है, और जो स्मॉलर पार्टिकल है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो हायर वेलोसिटी स्टेज पे कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इससे ये पता लगता है कैस्केड इंपैक्टर। फिर लाइट स्केटरिंग डिके इज मेनली ऑन योर टिंडल इफेक्ट, टिंडल पे बिहाफ है, दैट एज एरोसोल सेटल्स अंडर टर्बुलेंट कंडीशन द चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी ऑफ टिंडल इज बीम्स इज मेजर्ड। ठीक है,
ये हमारा लाइट स्कैटरिंग डिके था, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। बात करते हैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग और लास्ट पॉइंट है ये हमारी वीडियो का, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी चेक करेंगे और टॉक्सिसिटी चेक करेंगे फॉर इनहेलेशनल एंड टॉपिकल एरोसोल्स के लिए। पर्टिकुलर इन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देखते हैं इनहेलेशनल में, दैट डोसेज ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एंड इज रिलेटेड टू द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिकल एरोसोल्स के केस में इज अप्लाइड टू टेस्ट एरियाज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट इज डिटरमाइंड। टॉक्सिसिटी की बात करें इनहेलेशनल एरोसोल्स में, एक्सपोजिंग टेस्ट एनिमल्स टू वेपर्स स्प्रेड फ्रॉम एरोसोल कंटेनर, एनिमल्स का देखेंगे इसमें, एनिमल्स को एक्सपोज करेंगे। टॉपिकल एरोसोल्स की केस में इरिटेशन एंड चिलिंग इफेक्ट्स आर डिटरमाइंड, जो इरिटेशन स्किन पे हम अप्लाई करेंगे तो इरिटेशन भी देखी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको इवैल्यूएशन समझ में आ गया है एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।